माय न्यू ब्लॉग मानिकपुर की। आप सभी कैसे हैं? ठीक ही होना चाहिए। देखिए आज हम आए हुए हैं बुढ़ेला की मार्केट, क्योंकि कल जो मेरे हस्बैंड थे वो मंगलसूत्र लेके गए थे, वो मुझे पसंद नहीं आया, तो आज मैं अपनी पसंद से लेने आई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कि मतलब कौन सा मुझे पसंद आता है। दुकान में काफ़ी सारे निकलवा रहे हैं। ये वाला नहीं है, यही सिंपल से हैं। थोड़ा फैंसी में दिखा दो, दिखाना। फैंसी चाहिए था, ये तो सिंपल तो है। तो है मेरे पास ये वाला नहीं। नोनी नोनी क्या कर लिया, क्या लेने आई है? तो हमें पसंद नहीं आया, तो अब हम जा रहे हैं दूसरी दुकान में लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फैंसी नहीं थे, खाली सिंपल सिंपल थे। सिंपल तो ये कल लेके भी आए थे ये वाला, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं दूसरी दुकान। आपको पता है कौन सी दुकान है? है चलो ठीक है, देखते हैं दुकान यहाँ पे कौन सी है। यहाँ पे हमें दुकान नहीं मिली है, तो हम कहीं और जा रहे हैं अब लेने के लिए, क्योंकि बुढ़ेला में एक ही मार्ग की दुकान थी तो उसमें हमें पसंद नहीं आया, तो अब हम जा रहे हैं कहीं और। ये किसको बुला रहा है? हाँ देखना, ये चलते चलते किसी को बुला रहा है। मानिक के कपड़े लेने के लिए, लेने तो मैं अपना सामान आई थी, लेकिन अब मानिक के कपड़े लेने जा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, बढ़िया सी शॉप है। हस्बैंड जी आगे आगे, ये देखिए यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं बच्चों के। अब हम इसमें से डिसाइड करेंगे कौन से लेने हैं। बढ़ रहा है इसलिए मैं स्लो स्लो जा रही हूँ, और ये तो फट से पहुँच भी गए हैं। देख लिए, ये गर्मी के थोड़ी ना, ये गर्मी के टावल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब फिर हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि नीचे ठंड के कपड़े थे, अब ऊपर जा रहे हैं तो उसमें गर्मी के कपड़े हैं। नो ना, देखिए अपने पापा के साथ चढ़ रहे हैं सीढ़ियों। पहुँच गए हम ऊपर। हमें लगता है यहाँ शायद मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हैं, नीचे की तरफ नहीं थे, ऊपर तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी। मैं दिखाऊँ आपको, और टावल भी लेनी है हमें, तो हमें बहुत अच्छी टावल लेनी है, इसकी सॉफ्ट सी है। नोनी कौन से कपड़े लेगी? ये देखिए गर्ल्स के कितने प्यारे प्यारे हैं। यहाँ पे शायद सारे ठंड के हैं। ये भी नोना क्या कर लिए, कौन से कपड़े पहनेगी तू? कौन से कपड़े पहनेगी है ये गर्मी का थोड़ी ना, गर्मी का लो ना, ये तो ठंड का है। ये तो गर्मी का है। नहीं ये गर्मी का है। अच्छा ये तो है, ऊपर का तो नहीं है ना। नोनी क्या ले लिए, क्या ले लिए? नोनी अपने कपड़े खुद डिसाइड कर रहा है नोनी अपने कपड़े खुद डिसाइड करो। देखिए इधर नोना, नोनी देख तो सही, इधर देखियो, इधर देखो, देखो तो सही। हाफ स्लीव मिलेगा। ये वाले तो सही नहीं है, ये जैसे ठंड के लग रहे हैं। नोनी गिर जाएगी, छोड़ दे ये है, इन्हीं में से लेके गए थे तुम? अच्छा देखो कलर, अगा क्या पसंद कर रहा है? अब ये पसंद कर रहा है, क्या है? आपसे जा रहे हैं, क्योंकि जोन से हमें टॉवल चाहिए थी वो इनके पास नहीं थी, दूसरी वाली सॉफ्ट चाहिए लेकिन इनके पास अच्छी नहीं थी, तभी हम जा रहे हैं दूसरी दुकान। देखिए कौन सी मार्केट जाते हैं अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे मानिक के लिए बिल्कुल भी कपड़े भी अच्छे नहीं मिले, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, और टॉवल भी मतलब सॉफ्ट नहीं था, वो बेकार सा टॉवल था। हमें चाहिए था बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे ये रुमाल है मानिक के, ऐसा सॉफ्ट चाहिए, ताकि इसको ना बच्चा छोटी स्किन स्किन सॉफ्ट सी होती है, तो हार्ड रुमाल या टॉवल सही नहीं होते, सॉफ्ट से चाहिए हैं। और कपड़े भी कॉटन के चाहिए थे, कॉटन के इनके पास नहीं आए, कह रहे अभी ठंड है, तो अभी ठंड के कपड़े हैं, गर्मी के अभी नहीं आए, तो हम देखते हैं या आज लेते हैं, कब फिर कभी लेंगे। अभी चलते हैं यहाँ से, पापा के साथ स्कूटी के पास आ चुका है और बात भी कर रहे हैं, और हम लोग अब सोच चले ना
चले घूमी घूमी चले। आ गए हैं पीवीआर पे, पीवीआर पे यहाँ पे बच्चों के झूले भी हैं और फिल्म भी देखते हैं, लेकिन पता है मानिक हमें देखने नहीं देता फिल्म, तो इसलिए हम फिल्म नहीं देखेंगे और मानिक को अब हम झूले झुलाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी गा रही हैं और मिक्की माउस भी है, छोटे बच्चों के लिए भी झूले हैं, तो हम अब मानिक को शायद झूले झुलाएंगे क्योंकि ये पापा से बोल रहा है अपने करके, तो मैं दिखाऊँ बहुत अच्छे अच्छे हैं, जा रहे हैं झूले के लिए। ओनी ओनी कौन सी झूलेगी अभी उसको, मतलब कुछ वोट ये देखे गाड़ियाँ हैं, मानिक अपनी गाड़ी डिसाइड कर रहा है ये वाली में कि ये वाली में, और यहाँ पे इनके सारे फ्रेंड मिल गए हैं क्योंकि ये पीवीआर पे ही रहते हैं, तो सारे फ्रेंड देख रहे हैं कि मतलब बच्चा लेके आए हुए हैं। ये देखो बैठ गए अपने झूले पे पहले ही, नानी अपने झूले पे बैठ गई, चला चला अपनी कार चलाने के लिए, तो हम अभी पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि ये बहुत पूरा राउंड लगा के आएंगे, तो इसलिए हम दूर ही खड़े हैं। वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हो गए, तो मैं यहाँ कहीं और खड़ी हुई हूँ क्योंकि उनके फ्रेंड हैं सारे, और मानिक अपनी कार चलाने गया, उसको मज़ा आ रहा है कार में, कहीं भी जाता है कार ज़रूर चलाता है, उसको गाड़ी में घूमना बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पापा के साथ जब बैठता है तो बिल्कुल भी नहीं वो करता, कहता मुझे चलाने के लिए, तभी तो उसकी आदत पड़ी हुई है कि मतलब मैं चलाऊँ। ये देखिए वो सामने दिख रहा है, वापसी घुमा के लेके आ रहे हैं उसको, वो देखिए मानिक आराम से कैसे गाड़ी में चला के आ रहा है, और हम इधर खड़े होके उसका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आ, जल्दी 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 जल्दी, इधर 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 इधर। फ्रेंड हम ना मानिक को झूला झुलाने के बाद अब मैगजीन में आए हुए हैं, ये मानिक फिंगर खा रहा है और ये मजे से देखिए कुर्सी में बैठ के खा रहा है, हैं? और कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए साथ में, कोल्ड ड्रिंक चाहिए साथ में, नहीं ओहो ओहो इसको बड़े पसंद है ये आलू वाले, इसलिए ये खाता है मजे से। ये लो ये लो ये लो, कह रहा है मेरे पापा खा रहे हैं फटाफट मेरे को तो इसलिए, और इसने बोल भी लिया, वहाँ पे दुकान थी तो इसने बोल भी ली थी क्योंकि बोल के लिए जिद कर रहा था, तो हमने इसको बोल भी दिलाई थी वहाँ पे, तो अब ये खाने लग रहा है और मेरे को भी नहीं खाने दे रहा है सोच रहा है कि मम्मी सारी खाओगी तो है नही गम है, ज्यादा नहीं खाते बेटा। देखिए हम अपने घर आ चुके हैं और मानिक आते ही अपने पापा को आवाज मार रहा है, बेटा पापा आएंगे बाद में, हम पहले आ गए। रास्ते में ना बड़ा जाम था, तो हमने वहाँ पे मार्केट में कुछ लिया भी नहीं क्योंकि इसके जो हमें कपड़े लेने थे ना उसके पास अच्छे थे नहीं, तो इसलिए हमने लिया नहीं, और टावल लेना था तो अब हम जाएंगे किसी और दिन मार्केट, तो हमने अभी कुछ भी नहीं लिया, वैसे ही आ गए इसको झूला वगैरह झूला के। तो बच चुका है टाइम 8:30, तो हम अब देखते हैं क्या बनाना है, अभी तो कुछ नहीं बनाया है, और मानिक आते ही दराज वगैरह खोलने लगे, सामान फेंकने लग गया, तो हम देखते हैं क्या करते हैं, बस अभी 2-4 बर्तन पड़े हैं वो धो के, बाकी करेंगे काम बाद में, अभी पहले ये काम करें। नोना नहीं बेटा गंदी बात। देखिए आज हो चुका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में मैं उठ गई थी जल्दी, आज 9:30 बजे जग गई थी क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, आज इसको 25 तारीख है, 25 तारीख को ना इसको टिक्का लगना था, वो पता नहीं कौन सा लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं मतलब 9th मंथ में लगा था ना, तो फिर वही वाला रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये जो बच्चों को इतनी बीमारियां हो रही है ना ये नहीं होंगी, तो मैं इसको जल्दी आज नहला दिया था। ये देखिए नोनी लगवा के आ गई है, वहां पे मतलब थोड़ा सा ही रोया, ज्यादा नहीं रोया उसके बाद अब तो चुप है, मैंने कहा कहीं बुखार ना आ जाए, लेकिन वो मना कर रही थी कि बुखार नहीं आएगा, तो और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी आज जल्दी चले गए थे, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा, मैंने बाकी काम तो सारा निपटा लिया है और मानिक को जल्दी नहला भी दिया, बची मैं हूँ। अब जो मेरे मतलब इसके पापा आएंगे ना तब मैं फिर नहाऊंगी, अभी तो वो आए नहीं है। नोना हेलो बोलो, हेलो बोलो, नोजी आ गई, नोना की नोजी आ गई है आज, वैसे भी इसको जुखाम था, तो इसकी दादी हैं जो वो गई हुई हैं मिट्ठू को लेने के लिए, जेठानी के बच्चे को, तो वो भी शायद कल आ जाएगा, तो आज वो घर पे नहीं है, मेरे को अकेले ही मतलब इसको भी लेना है, काम भी करना पड़ रहा है, तो ज्यादा नहीं है काम वैसे तो, लेकिन कल वो आ जाएंगी, चलो अच्छा है कि कल आएंगी, है ना। दादी कहाँ गई है, दादी घूमी घूमी गई है, दादी घूमी घूमी के, दादी कल आ जाएगी है ना, कल आ जाएगी दादी। तो आज भी हम मार्केट नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज जो मेरे जो हस्बैंड है वहाँ पे पीवीआर पे ना उनके वो है जागरण है, तो हम वहाँ पे जाएंगे शाम को, है ना, शाम को वहाँ जाएंगे, इसलिए मैंने मानिक को जल्दी नहीं ला दिया, तो देखिए किसी चीज में नहीं बोलो, अच्छा ठीक है बोलियो। ओहो ओहो इतनी बड़ी बड़ी आचू क्यों क्यों
पापा की याद आ रही है। चलो पापा की याद, तो हम कर देते हैं वीडियो को एंड, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए और एक और नया ब्लॉग।